हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोत्रा। ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटिटीज, इन अर्ली सेशन वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 23rd ऑफ एक्सरसाइज 7.1। टुडे वी हैव स्क्वायर रूट टर्म्स। क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट की टर्म्स है। इन अर्ली सेशन वी हैव ऑलरेडी डन ए एक्सप्रेशन विच इज एंक्लोज इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, एक हमने प्रीवियस सेशन में ऐसा क्वेश्चन और हमने रिपीट किया था कि जिसमें स्क्वायर रूट होता है उसमें a प्लस बी डिवाइडेड बाय द a माइनस बी की फॉर्म में होता है। सो वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट। जो हमारा ये स्क्वायर रूट है उसको हमें रिमूव करने की नीड्स है। ठीक है, वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग द स्क्वायर रूट? इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय स्क्वायरिंग। अगर हम स्क्वायरिंग करें, अगर हमारी टर्म्स है वो स्क्वायरिंग की आए, सो वी कैन By squaring we can remove the square root, because square root is have a power of the half, and squaring half and 2 will get cancelled and remaining is the 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे main motto is to square the terms। ठीक है, squaring terms करेंगे। And now analyze about the right hand side। अब right hand side को analyze करते हैं। We have a cot theta and the cosec theta। cot theta की terms है and cosec theta की terms है। तो वी शुड एंश्योर अबाउट द रिलेशन बिटवीन द sec थीटा एंड द cot थीटा एंड sec थीटा एंड द cosec थीटा। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट द sec थीटा टर्म्स इन टू द cot थीटा एंड द cosec थीटा बाय यूजिंग sin थीटा cos थीटा एंड द अदर ट्रिग्नोमेटिक टर्म्स। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम टर्म्स। सेम टर्म्स से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, सो वी कैन गेट द टर्म्स इन द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की टर्म्स हमें मिल सके, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेम क्वांटिटी डिवाइड बाय आल्सो सेम क्वांटिटी। अब अगर ये a प्लस बी है हमारा, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई a प्लस बी से करेंगे और डिवाइड भी हम a प्लस बी से करेंगे। सो इफ दे गेट कैंसल टू ईच अदर द रिमेनिंग इज द 1 एंड 1 इनटू टर्म्स इज द टर्म्स ओनली। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। देखो, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अगर आप किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं अगर होते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी क्रिएट ए स्क्वायर टर्म्स। ऐसे हम स्क्वायर टर्म्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। sec थीटा प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो देन हियर sec थीटा प्लस 1 एंड sec थीटा प्लस 1, इसको हम पूरी एक टर्म एज्यूम करते हैं, इसको भी पूरी वन टर्म एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ की पावर 1, यहाँ की पावर 1, अगर बेसिस हमारे सेम है तो क्या होगा, पावर विल गेट एड, पावर ऐड हो जाएगी। देखो, a इंटू ए, अब a की फॉर्म में हमारे पास क्या है, sec थीटा प्लस 1, इन द प्लेस ऑफ a वी हैव ए sec थीटा प्लस 1। वी sec थीटा प्लस 1 वी हैड एज्यूम एज ए सिंगल टर्म। ठीक है, कोई भी x, y और a सिंगल टर्म्स में हमें इसे एज्यूम किया है। इफ द बेसिस आर सेम देन पावर विल गेट एड, पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। सो सिमिलरली हियर sec थीटा प्लस 1 एंड sec थीटा प्लस 1, क्या हो जाएगा इसमें, पावर्स विल एड, sec थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव sec थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा प्लस 1। हियर sec थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा प्लस 1, सो a माइनस बी एंड a प्लस बी। एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द a प्लस बी एंड a माइनस बी, इट इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज द a स्क्वायर, a इज द sec थीटा, सो a स्क्वायर इज द sec थीटा। ठीक है, देन 1 स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन sec थीटा प्लस 1, हियर इज द स्क्वायर टर्म्स, ये हमारे स्क्वायर टर्म्स है। अब इसको आप नोट कीजिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 की कितनी भी क्यूब हो, n नंबर ऑफ क्यूब हो, तो ये हमारे 1 के इक्वल ही होगा। इफ द पावर कंटेन n नंबर ऑफ इन ऑन द 1, अगर 1 के ऊपर n नंबर ऑफ हमारे पावर है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 ओनली। ठीक है, इसका कोई भी इफेक्ट है वो 1 के ऊपर नहीं होगा। सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब हमारे पास बेसिकली है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। इसको हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एज वी ऑल नो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड इन द टर्म्स ऑफ द cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दो हमने एक्सप्रेशन स्टडी किए थे इन द थ्योरी सेक्शन। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। नाउ व्हाट इज द सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इट विल बी इक्वल टू द टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। हाउ इट विल गेट, देखो हियर पॉजिटिव वन, इफ वी रिप्लेस दी और शिफ्ट दी प्लस वन एट द राइट हैंड साइड द साइन बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव का हमारे नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, देन सेक थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टू दी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आया यहाँ पे, सेक थीटा प्लस वन, यहाँ पे है सेक थीटा प्लस वन, देन यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू दी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। sec square theta minus 1 can be written as the tan square theta, tan square theta, and this is the square root sec theta plus 1, sec theta plus 1, it is the whole square, यही है हमारा। फिर देखो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, sec theta plus 1 यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर है एंड यहाँ पे हमारा tan square theta है, अगर हम रिमूव करते हैं square root को तो हमारे पास क्या आ जाएगी, होल पावर हाफ हो जाएगी, रूट ए कैन आल्सो बी रिटन एज दी ए की पावर हाफ, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सो वी हैड शिफ्ट दी रूट इनटू दी हाफ पावर, सेक थीटा प्लस वन होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर ऑफ हाफ, ये इसके ऊपर भी हाफ की पावर है एंड टेन स्क्वायर थीटा आल्सो कंटेन्स दी पावर ऑफ दी हाफ। देन अब हम क्या यूज करेंगे कि सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना एलोबरेट कर रहा हूँ, बाकी ये आपको माइंड में ही ये सब कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये स्टेप आपको करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर आप डायरेक्टली कौन सा ये स्टेप कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, नहीं इसके बाद ये स्टेप आना जरूरी है, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को हमने किस में कन्वर्ट किया है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा से। सो हमें सेपरेटली यहाँ पे कोटेशन देना होगा, नोट देना होगा कि एज वी ऑल नो दैट द रिलेशन बिटवीन द टेन थीटा एंड द सेक थीटा विच इज इक्वल टू द टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन एज्यूम एज ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू द टेन स्क्वायर थीटा, देन यू हैव टू राइट दिस स्टेप, फिर आप ये स्टेप राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये पावर हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एलोबरेट नहीं करना है, sec थीटा प्लस वन होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ये हाफ हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट आप इस तरह से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय दी टेन थीटा। तो ये हमारी स्क्वायर रूट हटाने के बाद स्क्वायर टर्म्स हट गई, sec थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय दी टेन थीटा। देन सी दी राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड के हमें क्या एक्सप्रेशन चाहिए, हमें चाहिए कॉट थीटा एंड दी कोसेक थीटा। देखो हियर वी हैव दी सेक थीटा देन प्लस वन डिवाइडेड बाय दी टेन थीटा, यही है हमारा। सो सेक थीटा अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे वन बाय टेन थीटा, यही है हमारा। सी हियर टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज दी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। देन सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा, यही होता है। एंड व्हाट इज दी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा, यही है। सो वी कैन यूज दी सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉस थीटा, राइट हियर वन बाय कॉस थीटा, वन बाय cos theta. Now see students, tan theta. What is the tan theta? Tan theta is the sine by cos theta. So write here sine. Sine theta by cos theta. ठीक है? Then we have plus 1 by sine theta by cos theta. यही हो गया? Then it is the 1 by 1. ये 1 by 1 है. ये sine theta by cos theta है. तो जब ये multiplication में shift होगा तो क्या हो जाएगा? Reverse हो जाएगा? cos theta by sin theta is equal to 1 into 1. ठीक है, यही हो जाएगा cos theta by sin theta. So cos theta को हम numerator में shift करेंगे. Then final product क्या आएगा हमारे पास, cos theta. Then here we have cos theta plus, sorry it is in the multiplication, cos theta into sin theta. Here we have the addition of cos theta by
साइन थीटा, यही आएगा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। देन कंपेयर इट विद द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से इसको कंपेयर करके एनालाइज करेंगे कि हियर वी हैव कॉट थीटा एंड द कॉसेक थीटा। सो एज वी ऑल नो दैट कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज द कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो वी हैव टू रिप्लेस द कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा से रिप्लेस कर दिया। देन सी हियर cos theta divided by the cos theta into sin theta. So cos theta get cancelled to each other. Cos theta है वो एक दूसरे से cancelled हो जाएगा. Then remaining is the 1 by sin theta. And what is the 1 by sin theta? 1 by sin theta is equal to the cosec theta. क्या होगा हमारा? Cosec theta. So right here cosec theta. अब आप इसको right hand side से compare कीजिए. So at last we can say that the left hand side equal to the right hand side. This is only we have to prove in this type of the question. ठीक है? इसमें हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, वी हैव ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 विच इज एनक्लोज इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या है हमारा? पूरा स्क्वायर रूट है। फिर हम क्या करेंगे इन राइट हैंड साइड एनालाइज करेंगे कि वी हैव टू ट्रांसफर sec थीटा इनटू द cot थीटा एंड द cosec थीटा। सो वी हैव टू नो द रिलेशन बिटवीन द cot थीटा एंड cosec थीटा बाय दी sec थीटा एंड दी साइन कॉस। ठीक है, इसमें हम यूज करके इनको ट्रांसफर करेंगे। देन सी हियर sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा हमें। सो हियर वी हैव टू शिफ्ट दी स्क्वायर टर्म्स, यहाँ पे हमारी स्क्वायर टर्म्स होगी तभी ये स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर रूट्स की पावर क्या होती है हमारे पास? हाफ। अगर हम स्क्वायर की टर्म्स यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं तो 2 गेट कैंसल एंड स्क्वायर रूट कैन बी कैंसल। ठीक है, बाय कैंसलिंग बोथ दी टर्म्स ये हमारा रिमूव हो सकता है, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। सी अब हम यहाँ पे ऐसा क्या एस्टेब्लिश करें जिससे ये स्क्वायर बन जाएगी? सो sec थीटा प्लस 1 है sec थीटा माइनस 1 है। अब हम ऐसे तो स्क्वायरिंग कर नहीं सकते, सो हमने क्या किया sec थीटा प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई भी किया एंड इट आल्सो डिवाइडेड बाय दी sec थीटा माइनस 1। ठीक है, sec थीटा प्लस 1 एंड sec थीटा प्लस 1 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये दोनों इक्वल है। तो अगर इन दोनों को हम कैंसिल भी कर देते हैं तो भी हमारे जो सेमिनल टर्म्स है जो मास्टर टर्म्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। सो यहाँ पे देखिए sec थीटा प्लस 1 एंड sec थीटा प्लस 1 बेसिस सेम है हमारा, तो ये पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास आ गई स्क्वायर की ये टर्म्स, देन इन डिनोमिनेटर वी हैव sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 विच कैन बी यूज एज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया, ये भी हमारी क्या आ गई स्क्वायर की टर्म्स में आ गई। देन sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एज वी ऑल नो दैट द tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा sec tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देन वी कैन राइट एज द sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू द tan स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी स्क्वायरिंग आ गई, ये भी हमारी स्क्वायर आ गई। सो नाउ वी कैन इजीली कैंसिल आउट दिस हाफ इनटू द 2। ठीक है, इस स्क्वायर को रिमूव करके हम ये स्क्वायर रूट भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारा रूट स्क्वायर 4 है, अगर 4 अंडर रूट है हमारा तो इसको हम 4 को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं 2 स्क्वायर शिफ्ट कर सकते हैं, देन हियर वी हैव द पावर हाफ, तो ये दो दो कैंसिल हो जाते हैं, देन रिमेनिंग इज द 2। तो सिमिलरली इसी को बेस बना के हमने यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए ये मल्टीप्लीकेशन और डिविजन किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर टर्म्स, फिर हमारी ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, फिर इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पे पता चला कि sec थीटा बाय tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा cosec थीटा, बिकॉज sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos थीटा। सो वन ऑफ द cos थीटा गेट कैंसिल टू cos थीटा इन डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू द cot थीटा। ठीक है, तो फिर ये हमारा फाइनली आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड इनटू द राइट हैंड साइड बाय सिंपलीफिकेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।